Assalamu alaikum everyone, I am Issa Khajidun from Golden Sand Engineering Services. Once again, I welcome you to all on my YouTube channel. I hope you all are doing very well. Viewers, my previous video was about AutoCAD interface and main page settings. I hope you got that video. Today, we will move forward, inshallah, and we'll discuss how to draw a line in AutoCAD and also something about line command in AutoCAD. I will discuss the line command in detail. So viewers, without wasting any time, let us get right into the computer screen. Thank you so much. So viewers, AutoCAD के lecture number 4 का जो proper start लेते हैं. Viewers, lecture number 3 में हमने AutoCAD 2007 के पेज सेटअप और इनिशियल सेटिंग्स के अलावा उसका जो मेन इंटरफेस है उसके बारे में डिस्कशन मैंने की थी आप लोगों से. एंड आई होप कि आप लोगों ने उसे बहुत कुछ सीखा होगा, अपने पास नोट किया होगा और प्रैक्टिस की होगी. सो व्यूअर्स, आज के हम जो सेशन आज का है इसमें हम ऐसा करेंगे कि जो फाइल हमने पिछले लेक्चर में सेव की थी सेटिंग्स के बाद, जो यूनिट्स की सेटिंग की थी, डायमेंशन सेट की थी, उसके बाद हमने फाइल सेव की थी लास्ट में, आज उसी फाइल को ओपन करके हम अपने वर्क को आगे प्रोसीड करके लेक्चर नंबर 4 को वाइंड अप करेंगे. सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट राइट इनटू द ऑटोकैड एप्लीकेशन. सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो मैंने फाइल सेव कर रखी थी वो DWG की फाइल, ये मेरे पास यहाँ आ गई है और मैं उसी को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ. व्यूअर्स, फाइल मेरे पास यहाँ पे वो जो ऑलरेडी सेव फाइल थी वो ओपन हो गई है. मैं आप लोगों को चेक भी करवा देता हूँ, आप लोग बाकायदा चेक कर सकते हैं. सिर्फ यू एन एंटर प्रेस कीजिए और देखें हमारे पास आर्किटेक्चरल प्रिसीजन 1/16 inches, हमने से ओके कर दी. हमारे पास सारा हमारा पेज सेट है, अब हम हर किस्म की ड्राइंग बना सकते हैं. व्यूअर्स, ऑटोकैड सीखने का तरीका कार ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहते हैं. हम कमांड्स को, बेसिक कमांड्स को समेटते हुए, उन्हें सीखते हुए, उन्हें याद करते हुए, उन पर प्रैक्टिस करते हुए आगे लेके जाते हैं. ऑटोकैड में जो हमारी जो 70 to 95% जो हमारी कमांड यूज़ होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है ऑटोकैड की, वो है लाइन कमांड, LINE लाइन कमांड. और फिर जो हमारी लाइन कमांड है वह जो हमारा ड्रॉ टूल बार है, पहला टूल बार फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल है, एंड देन ड्रॉ टूल बार ऑलमोस्ट मिड में आता है. ड्रॉ टूल बार में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो है हमारा लाइन. अब लाइन हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑटोकैड की ड्राइंग में. लाइन ऑटोकैड में ड्रॉ करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ऑटोकैड की जो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पर, ये व्यूज देखें, मैं कर्सर लेके गया, नीचे लाइन लिखा हुआ आ गया, ये लाइन हमारी पड़ी हुई है. सेकेंडली, हमारा जो ड्रॉ टूल बार है उसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन लाइन का, इसके बाद रे का, कंस्ट्रक्शन लाइन का बात नहीं आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन का आता है. लेकिन जो ईजीएस्ट वे है वो है व्यूअर्स लाइन का शॉर्टकट कमांड. ये लाइन की शॉर्टकट की क्या है व्यूअर्स, मैं अपनी कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा एल, देन एंटर. एल एंटर किया, देखिए वो कह रहे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. आप अपने पास नोट कर लीजिए, आज का पूरा लेक्चर वो लाइन कमांड पर ही होगा इंशाल्लाह. एल एंटर प्रेस किया, एल एंटर प्रेस किया, हमारे पास लाइन की कमांड आ गई, ऑन हो गई. अब फिर वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. अब कह रहे हैं कि लाइन आपने कहाँ से लगाना चाहते हैं, आप लाइन कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं. सपोज मैं कहता हूँ बार यार यहाँ से लाइन स्टार्ट करो, मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया. अब मैं कहता हूँ कि लाइन को यार मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है. अब मैं लाइन को इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ऊपर भी मेरे पास एक बार बनी हुई आ गई, ऊपर मेरे पास एक बार बनी हुई आ गई. मैं इस बार को बैक स्पेस से रिमूव करता हूँ. अब वो पूछता है हमसे कि यार अब कितने फीट की लाइन चाहिए. सपोज़ मैं कहता हूँ मुझे 10 feet की लाइन चाहिए, मैंने वहाँ पर 10 लिखा और फीट का ऑप्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंटर की राइट साइड पे नंबरिंग दी होती है, लेफ्ट साइड पर आप जो बटन मिलेगा वो होगा इसका अपना फीट का. आप उसे प्रेस करेंगे, 10 लिखकर फीट का ऑप्शन डाला और देन एंटर कर दिए, हमारे पास 10 feet की लाइन आ गई. अब कमांड से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप प्रेस करेंगे. लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, आप जब ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे, यूनिट्स वगैरह सेट करेंगे, लेकिन जब आप लाइन कमांड लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा होगा, सपोज आपने एल इंटर, मेरी वीडियो देखने के बाद आपने लाइन कमांड पर प्रैक्टिस स्टार्ट की, आपने एल इंटर लिखा, वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. हाँ यार, आप तो खुश हो गए कि जैसे मैंने वीडियो में देखा था वैसे ही आ रहा है. आपने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया लेकिन आप सीधी लाइन लगाना चाहोगे, लाइन टेढ़ी लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, आप दोबारा से लाइन की कमांड दोगे,
आप यार सीधी लाइन लगाओगे, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी लगना, आप कहोगे मैं ऊपर जानब लगाना चाह रहा हूँ, ये लाइन कहीं और से और जा रही है, ये देखें ये लाइन टेढ़ी जा रही है। वीर इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ये क्यों होता है वीर? अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हों, आप अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, बॉटम पे बिल्कुल बॉटम पे आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिन पर स्नैप है, ग्रिड है, ऑर्थो है। फिर जो ऑर्थो का ऑप्शन है, आप अगर ऐसे क्लिक करके ऑन, देखें नीचे लिखा हुआ आगे ऑर्थो कमांड में लिखा हुआ आगे ऑर्थो ऑन, ऑर्थो का ऑप्शन आपने कर देना है ऑन। देखा जी यहाँ से ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, ऑर्थो अगर ऑफ ऑन हमारी रहेगी, ऑर्थो ऑफ होने से हमारी जो लाइन्स हैं वो स्ट्रेट नहीं लगेंगी, लाइंस हमारी अलाइंड नहीं होंगी, स्ट्रेट नहीं लगेंगी, अपनी मर्जी की डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, एंड में स्ट्रेटनिंग नहीं आएगी। जैसे ही हमारा ऑर्थो ऑन हो जाएगा, लाइंस हमारी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे कि मेरा ऑर्थो ऑन है, मैंने एल की कमांड दी, अब मैंने यहाँ से ये ले गया और यहाँ से ये ले गया जनाब, यहाँ से ये ले गया और यहाँ से ये ले गया, एक मेरे पास स्क्वायर बना हुआ आ गया और ये अब मेरे पास स्क्वायर बना हुआ गया। मैं सारी विंडो को डिलीट कर देता हूँ व्यूअर्स, डिलीट करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा। एक दफ़ा व्यूअर्स फिर लाइन की कमांड को देख लेते हैं, ऑर्थो के बगैर पहले देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी एल इंटर, यहाँ से मैंने पॉइंट स्टार्ट किया, देख लाइन टेढ़ी लग रही है, टेढ़ी लग रही है। अब जैसे ही मैंने ऑर्थो को ऑन किया, ऑर्थो का मोड मेरा सॉरी ऑन हो गया, ओके एल इंटर, सॉरी ऑर्थो का मोड यस ऑन हो गया, एल इंटर प्रेस किया, ये व्यूअर्स देखें बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं, चाहे आपका माउस टेढ़ा ही क्यों ना हो, जिस डायरेक्शन में आप लेके जाओगे वो ही डायरेक्शन में आप लोगों की ये क्या नाम है ड्राइंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो व्यूअर्स ये है हमारी लाइन कमांड। अब व्यूअर्स अब थोड़ा सा हम इस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं। मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप शेप ड्रा करता हूँ। मैं लिखता हूँ एल इंटर, मैं कहता हूँ यार यहाँ से मेरा पॉइंट स्टार्ट करो और ऐसा करो कि 20 फीट मुझे ये साइड दे दो, फिर नीचे आऊँगा मैं और जैसे ही नीचे आऊँगा मैं बोलूँगा कि यार 30 फीट मुझे ये साइड दे दो, फिर मैं इस तरफ आऊँगा मैं बोलूँगा यार मुझे अगेन 20 फीट ये साइड दे दो और मुझे 30 फीट तुम यार ये साइड दे दो। अब व्यूअर्स क्या होगा, ये हमारे पास आ गया। अब आखिर यार आपको डाउट होगा क्योंकि हम ऑटोकैड पर ड्राइंग कर रहे हैं, हमें तो प्रिसीजन की तरफ जाना है। आप कहते हैं यार मुझे लग रहा है मैं डाउट में हूँ, मुझे लग रहा है कि ये लाइन 20 फीट की नहीं है। आप अपने डाउट को दूर कैसे करोगे यार? अब इस चीज़ का भी ऑटोकैड के पास सलूशन है। ड्रॉ के साथ आपको डायमेंशंस की बार नज़र आ रही होगी, आप यहाँ से डायमेंशंस के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ से लीनियर का ऑप्शन, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करोगे। जैसे ही आपने लीनियर पर क्लिक किया, ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन। अब हम लाइन को मेजर करने जा रहे हैं, अब कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। अब कह रहा है कि पहला पॉइंट मुझे चूज करके बताओ आप कौन सी लाइन को मेजर करना चाहते हो। मैंने पहला पॉइंट ये दे दिया। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई सेकेंड एक्सटेंशन लाइन। अब इस लाइन का जो सेकेंड पॉइंट है वो चूज़ करके बताओ। ये जैसे ही मैंने चूज़ किया व्यूअर्स, ये मेरे सामने 20 फीट लिखा हुआ आ गया। इसकी मैंने अब जो सेकंड लाइन थी 30 फीट की थी ना व्यूअर्स, अब वो भी देखते हैं जनाब, वेरीफाई करते हैं उसे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास 20x30 का ये प्लॉट हमारा रेडीमेड होके आ गया। लेकिन मैं चूंकि ऑटोकैड वर्क कर रहा हूँ तो यार मुझे क्या ज़रूरत है मैं यहाँ से डायमेंशंस में जाऊँ और लीनियर को क्लिक करूँ। क्यों ना मेरे पास कोई शॉर्टकट की हो, क्यों ना मेरे पास कोई शॉर्टकट की हो जिसके ज़रिए मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। तो जी हाँ व्यूअर्स, शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की आप लोग अपने पास नोट कर लें, DAL। जैसे DAL प्रेस किया, मैंने इंटर कर दिया, देखें वही क्या वही ऑप्शन आ गई है। अगेन करते हैं जनाब, DAL एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन। ये पहला पॉइंट चूज़ किया, सेकेंड पॉइंट चूज़ के 20 फीट। अगेन जी DAL इंटर प्रेस करते हैं,
और ये पहला पॉइंट चूज़ किया और ये सेकंड पॉइंट जैसे ही चूज़ किया तो उसने हमें 30 फील्ड दे दिया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज की ये था लाइन कमांड। क्यों? चूँकि लाइन कमांड को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइन कमांड के बिना हम आगे नहीं चल सकते। व्यूअर्स, इसके अलावा मैं एक दो चीज़ें आप लोग को आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो चीज़ें आज ही आप सीख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। नंबर वन इज, सपोज मैं लाइन कमांड यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, लाइन कमांड यहाँ पे लगाना, मैं सपोज मैं लाइन देना चाहता हूँ, मैंने एल प्रेस किया। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपने एंटर देना है, एंटर की को प्रेस करना है, बट ऑटो कैड में काम करते हुए आप लोगों को ये आसानी है कि आप एंटर की जगह जो लंबी स्पेस बार होती है, मैं रिपीट करता हूँ, जो लंबी स्पेस बार होती है, आप उस स्पेस बार को भी यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, एंटर की क्योंकि छोटी होती है, हम डायरेक्टली स्पेस बार को करेंगे तो देखिए जी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है व्यूअर्स। अब ये तो एक बात होगी, अब इससे अगली बात बहुत ज़्यादा मज़े की है। अब सपोज मैंने एक दफ़ा लाइन कमांड लगाई, ठीक है, मैं और एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ यार मुझे दोबारा इस कमांड में जाना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अब दोबारा इसको कौन कमांड देगा और फिर कौन एंटर की प्रेस करेगा। देखें एल एंटर प्रेस किया, अब दोबारा कौन करेगा, कोई ऐसा मेथड हो कि मैं डायरेक्टली दोबारा अपनी कमांड में वापस चला जाऊँ। व्यूअर, इसका भी तरीका है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज यहाँ पे एल एंटर किया, एक लाइन लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, एस्केप लगा के मैं बाहर आ गया, ठीक है, मैं एस्केप लगा के बाहर आ गया। अब मुझे वापस इस कमांड में जाना है, लाइन की कमांड में। आप अगर दोबारा स्केप में जाने के बाद अगर आप दोबारा एंटर की या स्पेस बार प्रेस करोगे, देखो ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया जी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देखें जी ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया ये चीज़। आई होप कि आपको आज की ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसके अलावा भी अगर किसी ड्राइंग को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी सीख लें, ये भी आप इसी में इसमें कंक्लूड कर लेता हूँ, इट्स ओके, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप मैक्सिमम चीज़ें सीख लेंगे। सपोज आपने ये वाला पार्ट, ये लाइन करनी है, इस लाइन पर आपने इसको चूज़ किया, कैसे चूज़ किया, माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करके लाए, लाइन चूज़ हो गई, डिलीट पर ऑप्शन किया गई, अगेन लाइन पर क्लिक किया, लाइन चूज़ की, डिलीट पर क्लिक किया, डिलीट, ये लाइन लगाई, डिलीट पर क्लिक किया। अगर पूरी विंडो को आप डिलीट करना चाहते हैं, पूरी ड्राइंग को, तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ए, डिलीट का ऑप्शन किया और ये हमारी फिनिश हो गई, डिलीट हो गई। सो वियर, दिस वाज ऑल अबाउट लाइन कमांड। में एक रफली फिर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन कमांड आपको यहाँ ड्रॉ टूल बार में फर्स्ट पहला ऑप्शन मिलेगा, सेकंडली आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पर यह आपको लाइन कमांड देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट की होती है व्यूअर्स एल इंटर, आप स्पेस बार भी यूज़ कर सकते हैं, एल एंटर के ज़रिए आप यहाँ पे, अगर लाइन आपकी टेढ़ी लग रही है तो यहाँ से नीचे आप अपने ऑर्थो को ऑन ऑफ करना सीखें। इसके बाद हमने देखा कि हम एंटर की जगह हम स्पेस बार को भी यूज़ कर सकते हैं, हमने ये भी देखा कि हम अगर दोबारा स्पेस बार को प्रेस करें दोबारा हम अपनी प्रीवियस कमांड में जा सकते हैं, हमने फिर ये देखा कि हम अपनी ड्राइंग्स को डिलीट कैसे करते हैं वन बाय वन या ओवरऑल कैसे डिलीट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि हम किसी ड्राइंग को उसकी डायमेंशन कैसे, उसकी मतलब सपोज मैंने 20 फीट की लाइन लगाई, हम उसे वेरीफाई कैसे करते हैं कि यार मैंने कितने, अगर मैंने 20 की ही लगी है या नहीं, ठीक है व्यूअर्स। सो उसकी मैंने डायमेंशन को डी ए एल, फिर मैं फिर बता देता हूँ डी ए एल, एंटर प्रेस करके सपोज जो लाइन हमने एग्जांपल के तौर पर लगाई थी इसी को दोबारा कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 60 फीट की लाइन लगी हुई है, ठीक है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट लाइन कमांड एंड इट्स रिलेटेड टॉपिक्स। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप ऑटोकैड को लर्न कर रहे हैं, इंशाल्लाह व्यूअर्स आप मेरे साथ साथ रहिएगा, हम इसी तरह इसी तरीके में इसी वे में इंशाल्लाह आगे की तरफ जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए चैनल की तरफ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ, ताकि हम एक फैमिली की तरह आगे जा सकें। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।